फिल्म में हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से अक्षय कुमार एंड सलमान खान के बारे में। तो अक्षय कुमार सलमान खान को लेकर कुछ दिनों से काफी ज्यादा खबरें आ रही थी, वो भी खास कर सूर्यवंशी की रिलीज डेट के बाद। सूर्यवंशी की जैसे ही रिलीज डेट अनाउंस हुई थी ईद 2020, ऐसे ही एक और खबर उसके बाद तुरंत आई थी कि अक्षय कुमार ने सलमान खान से फोन किया और इजाजत मांगी कि वो अपनी फिल्म क्या ईद 2020 पर रिलीज कर सकते हैं क्या। तो उस पर सलमान खान ने कहा बिल्कुल करो, और उसके बाद जाके अक्षय कुमार ने रिलीज डेट अनाउंस की थी। ये खबर आ रही थी विद र्यूमर विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी तरह से सामने आई है, अक्षय कुमार जो फिलहाल केसरी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, उनसे रिपोर्टर ने ये सवाल पूछ ही लिया। अक्षय ने सभी रिपोर्ट को हटाते हुए कहा, उसे धक्या ने उसी बात कही, यानी कि उसे कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, यानी कि उन्होंने कॉल नहीं किया है। दैट मीन्स अक्षय कुमार डिडंट कॉल सलमान खान टू रिलीज हिज फिल्म, आई मीन अनाउंस जो किया है रिलीज डेट ईद 2020 पर, उसके लिए सलमान खान को कॉल करके नहीं पूछा है अक्षय कुमार ने, एंड दिस इज ए बिग न्यूज। तो ये जो खबर आई थी ये एक र्यूमर्स थी, ही डिडंट कॉल्ड सलमान खान एट ऑल एंड ही हैज रिलीज द फिल्म बिकॉज मेकर्स थॉट इट्स ए ग्रेट डे टू रिलीज द फिल्म। तो ये खबर के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अकेला चलिए फिलहाल इतना ही।